गोलगप्पे के चाहने वालों में से एक है और गोलगप्पे का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कि मेरे मुंह में आ रहा है। तो यकीन मानिए, इस स्टोरी को देखने के बाद आप सीधा गोलगप्पे की दुकान पर जाने वाले। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरा गला तो अभी तक पूरी तरह ठीक ही नहीं हुआ ना। एनीवेज, मानना पड़ेगा। भैया मोहन और बुलबुल कितने केयरिंग है। राधा का पहला दिन ऑफ ऑफिस, थक हार कर वो घर लौट रही है और ये सोचकर कि उसकी थकान को कैसे मिटाया जाए, घर में गोलगप्पे की दुकान खोल ली थी इन्होंने। राधा का ऑफिस में पहला दिन। पहले दिन काम करने के बाद जब वो घर लौटी तो भाई घर में जो हुआ ना उसे देखकर चौक सी गई। राधा को कुछ भी आइडिया नहीं है कि घर पे क्या होने वाला है, इन लोगों ने कैसे प्लान किया है, तो राधा के लिए पूरा सरप्राइज था और राधा बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई है। मैं गोल गप्पे बनाने वाली हूँ और मैं सबको खिलाने वाली हूँ। ये तो मैंने राधा दीदी के लिए रखा है क्योंकि उनका ऑफिस में पहला दिन है इसलिए, और ये प्लान मैंने ही मोहन सर को दिया है। अब परसाना का फेमस है ये गोल गप्पे वाला, फिर क्या राधा की पसंद भी है। तो मोहन और गुनगुन ने सोचा कि जब थकी हारी राधा आएगी तो गोलगप्पे देखकर खुश हो जाएगी, और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमें पता है आप बरसाने के गुनगुन भैया के गोलगप्पों को बहुत मिस कर रही हैं, लेकिन आप ना बरसाने आई ही नहीं, तो हमने सोचा हम ही गुनगुन भैया के थैले को आपके पास लिए। पूरी तरह से इम्प्रेस हुई है गुनगुन से और मोहन जी दोनों से। मोहन जी कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने ढूंढा होगा कि राधा के फेवरेट पानी पूरी वाले कौन है बरसाने में, तो उन्हीं से नाम लेकर बनवाया होगा इन्होंने ये स्टॉल, तो बस वही हो रहा है। गोल गप्पे देखकर भला कौन कंट्रोल कर सकता है, और उस पर जब गोल गप्पे बनाने वाला शब्बीर आलूवालिया हो। राधा ने भी सोचा नहीं होगा कि शब्बीर के हाथों उसे गोलगप्पे खाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, शायद ही किसी ने उनके हाथों से पानी पूरी खाई होगी, पर मैंने आज खाई, बहुत मज़ा आया और सब ने खाई, इनफैक्ट पूरे फैमिली ने पानी पूरी खाई है, तो काफ़ी मज़ा आया ये सीन करके। अरे पता है ना, पूरे बरसाने में दो चीज़ फेमस है, मेरा खेला खत्म हो जाएगा पर राधा मैडम जी कभी नहीं। अरे बरसाने की शान है, शान हर चीज में पक्की, लोग किताबें पढ़ते हैं ना, राधा मैडम जी जो है ना रुपया। गुनगुन के साथ आज पूरा परिवार खुश है, इतनी बड़ी खुशी का मौका चल रहा था, फिर अचानक से राधा को कुछ याद आया और वो यहाँ से निकल गई। नहीं नहीं खाए ना, दो पूरियाँ खाई हैं, बिल्कुल अच्छी वाली खाई है, और उसके बाद राधा को कुछ याद आ जाता है तो राधा चली जाती है, उसके बाद आप देखिए क्या होता है, राधा दुखी क्यों हो रही है। अब गोलगप्पे खाते खाते उसे जरूर वो बात याद आ गई होगी जब ऑफिस में उसे मारने की कोशिश की गई। अब इत्मीनान से जब मोहन को वो बताएगी तब देखना ये होगा कि मोहन क्या एक्शन लेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।